टोला के लोग को पता नहीं था कि इधर से नदी आती है और रात को चाचा को बहवा ले जाती है। सीबीएसई वाला तो खूब अच्छा रख ले जाता है सर पैर पोछने के लिए, अब बाकी हिंदी मीडियम वाला तो वही बोरा रख देता है, बांग्लादेश ना पूरे दुनिया में खोजते रहता है जहाज बचाई हो, बेरोजगार आती थी खलिया बैठा है सर, कोनो काम धाम तो नहीं है, कब इस टाइप का तिरपाल ओढ़ेगी सब, अब कोनो चाय बेचने वाला है वो एक हथियार नीचे रख ले, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, व्हाई नॉट प्लीज वेट। अब मान लीजिए बंदूक से हम निशाना लगा रहे हैं किसी को, यहाँ पे हमारा बंदूक हल्का सा घूमा तो जहाँ निशाना लगेगा वहां अच्छा खासा घूम जाएगा। तो नेपाल से जब नदियां निकलती हैं तो उनका फ्लो इतना तेज रहता है कि गलती से भी हल्का सा डायरेक्शन क्या होता है चेंज होता है, तो बिहार तक पहुंचते पहुंचते उनका ए टोला से ओ टोला बह जाती है और उस टोला के लोग को पता नहीं था कि इधर से नदी आती है और रात को चाचा को बहवा ले जाती है। चाचा तो गए, सुबेरे खोजाएगा कहाँ गई लो हो चाचा, गई ना चाचा खत्म कहानी हो, अब जाके खोजिए कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। तो यूएनओ क्या बताएं हम आपको, दुनिया का ही अजीब संगठन है यूएनओ, आप चार पांच चीज इमरजेंसी में ढूंढिएगा कभी नहीं मिलेगा, नेल कटर नहीं मिलेगा, सेफ्टी पिन जो होता है नहीं मिलेगा, मोबाइल का जो सिम निकालने वाला पिन होता है नहीं मिलेगा, यूएनओ को खोजिएगा कभी इमरजेंसी में नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है हमारे देश के नेताओं को इतना सब चिंता रहता है, उनको अगला सीट कहां से निकालना है, कोने टिकट को कहां, एक से एक रहता है, मीडिया वाला भी उन्हीं सबको दिखाता है। हम ऐसे ऐसे नेता को देखे हैं जिसको हम अपने कोचिंग में स्टाफ ना रखेंगे, लेकिन भारत का भाग्य है भैया, नेताजी हैं, सेफ्टी मिला है लोग, ऐसा ऐसा नेता भी होता है सभी, आप भी देखे होंगे है कि नहीं, मजबूर है कि आप बोलते नहीं है हम बोल देते हैं। तो वही होता है झूठ, उसको छोड़ा कर अच्छा से और फिर आपस में क्या कर दीजिएगा, फंसा दीजिएगा, बीन दीजिएगा, कपड़ा क्या होता है, पतले धागे को आपस में बिना नहीं देखते हैं, कभी कभी स्वेटर में एगो नोची है तो पूरा नोचा जाता है, बस उस सिलने की कला है उसी को सिल दिया जाता है, लेकिन ये बहुत मोटा होता है, तो इसका काम होता है ठंडी के दिन में भैंस को ओढ़ा दीजिए या उसमें आलू प्याज रखिए या देहात में पैर और पोछने के लिए काम में आता है। सीबीएसई वाला तो खूब अच्छा रख ले जाता है सर पैर पोछने के लिए, अब बाकी हिंदी मीडियम वाला तो वही बोरा रख देता है सर जूट का, है कि नहीं, यहाँ पे जूट का बोरा, नहीं तो गाय भैंस बकरी को आदमी ठंडी के दिन में स्वेटर बना के ओढ़ा देता है। मलमल के कपड़े वो बहुत ही मुलायम होते थे, मलमल के कपड़े वो राजा महाराजा पहना करते थे सब वहां पर, उसमें इतने मुलायम होते थे वो कपड़े कि मलमल के कपड़े का पूरा चादर रहेगा ना तो आप एक अंगूठी में उसका एक कोना फंसाइए और इसे खींचिएगा ना तो पूरा उसमें से बाहर चलाता था, इतना सॉफ्ट रहता था। तो पहले के समय के जितने रानी महारानी होती थी सब ना, बेरोजगार आती थी खलिया बैठा है, कोनो काम धाम तो नहीं है, कब इस टाइप का तिरपाल ओढ़ेगी सब, कब वो टाइप का राजा परेशान है, कब मलमल का दिलाएगा, कभी कुछ दिलाएगा, उसको क्या मतलब कि दुश्मन का फौज दुआरी पे खड़ी है। बांग्लादेश अभी के वक्त में दुनिया में सबसे आगे चल रहा है, तो सिर्फ डिमोलिशन उद्योग में, पोत भंजन में, जितने बड़ी बड़ी जहाजे होती हैं उसको बनाने में 10 से 15 साल लगता है, तो तोड़ने में भी उसके 2-3 साल लगता है। आप बताएं एक बड़ा सा शहर होता है, जितनी बड़ी ये बिल्डिंग है ऐसी ऐसी आप अगर 300 बिल्डिंगों को मिलाएंगे तो एक जहाज बनता है सिप वाला, ऐसी ऐसी 300 बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को तोड़ना पड़े तो कम से कम 3 से 4 महीना लगेगा, समझा, तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो पानी बांग्लादेश ना पूरे दुनिया में खोजते रहता है जहाज बचाई हो, जिसका भी जहाज बेचाता है कौन ले आता है बांग्लादेश, अब वहां पे उसके सारे चीजों को खोल देता है। अब हर सिप में वॉशिंग मशीन होता है, बेड होता है, कुर्सी होता है, हर रूम में टेबल लैंप होता है, लाइट होगा, वॉशिंग मशीन होगा, उसमें खाने के लिए ट्रे होगा, नट बोल्ट से पूरा कसा रहेगा, हर साइज के नट रहेंगे, वो थोड़े ना खराब होता है अंदर से, उसको खोल खोल के अलग अलग बेचता है सब बांग्लादेश वाला। अब उसको जो लोहा है वो कबाड़ के भाव बेच दिया, उसके अंदर पाइपलाइन बिछी रहती है पानी वाला पाइप, वो सेकेंड हैंड खोल के बेच देता है, तो जिसको भी चाहिए वो बेचता है। तो एक नंबर पे कौन चल रहा है, बांग्लादेश, और दो नंबर पे गुजरात का भावनगर। बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो शहर था चटगांव, जो म्यांमार से सटके होगा इस साइड में, देखिए म्यांमार के पास होगा, चटगांव में अंग्रेजों ने बहुत बड़ा हथियारों का गोदाम बनाया था, वेपन हाउस या फिर शस्त्रागार कहते हैं। तो भारतीय क्रांतिकारियों के पास हथियारों की कमी थी और छोटका छोटका हथियार था मुंगेर का बना हुआ वो कट्टा वगैरह से तो कुछ खास काम हो नहीं सकता, अंग्रेज से थोड़े ना लड़ पाएंगे, उसके लिए एडवांस हथियार चाहिए, अंग्रेजों के पास एडवांस हथियार थे, कहां रखे थे सब, वो सब चटगांव में। तो चटगांव में सूर्य सेन थे, एक क्रांतिकारी नाम क्या था उनका, सूर्य सेन ने क्या किया, चटगांव में हमला करके जितना वहां पे हथियार था सब लूट के लेके भाग गए, सबको बांट दिया, ले जो जिसको ले जाना है,
अब वहां से चटगांव से हथियार को क्या कर लिया गया, लूट लिया गया। अब जिसको मन है वो एक और को ले गया था, अब कोनो चाय बेचने वाला है वो एक हथियार नीचे रख ले है, चाय बेच रहा है, लीजिए 2 रुपया चाय। कोनो अंग्रेज का प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, व्हाई नॉट, प्लीज वेट, प्लीज वेट। होती है या फिर जो रूलिंग पार्टी होती है उनको तो कुछ नहीं होता, जो आम आवाम होती है वो बेचारी मर जाती है। असल में बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम लोग देख रहे हैं। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।